कैनिची, जब तुम घर वापस जाओ तो ये लेटर अपनी मम्मी को दे देना, ठीक है? इसमें क्या लिखा है सर? तुम्हारी मम्मी इसे पढ़ने के बाद खुद ही समझ जाएगी। ठीक है, मैं आ गया। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा दिन कैनिची? हाँ मम्मी। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बचे हुए हैं? अब जाओ और जाकर अपना खाना खा लो। नहीं, पहले मैं होमवर्क करूंगा फिर खाऊंगा। हाँ? आज तुम किसका मुंह देखकर उठे थे कैनिची? मैं जा रहा हूँ आंटी जी। हाँ, हेलो आंटी, इस समय आने के लिए माफ कीजिए। हेलो हमारा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है बेटा? नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद कैनिची उसके बारे में भूल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने चला आया। वैसे आपको उसके बारे में पता तो है ना? किसके बारे में? लेटर के बारे में जो सर ने आपके लिए भेजा था। ये हमारा हर समय मेरा बैंड क्यों बजाने आ जाता है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे कल तुम्हारे स्कूल आना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या लिखा है मम्मी? नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा है कि तुम्हें कुछ न बताया जाए। ओहो, अब क्या होगा? ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कैनिची। हाँ, प्लीज हथौड़ी, कुछ ऐसा करो ना जिससे कल मम्मी मेरे स्कूल ही न जा पाए। नहीं कैनिची, फिर तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा और हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। हथौड़ी, प्लीज मान जाओ ना। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे लिए कर देता हूँ कैनिची। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे स्कूल पहुँचने की कोशिश करूंगी। अगर आप नहीं भी आएंगी तो भी चलेगा मम्मी। बाय। चलो अब मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होकर इसके स्कूल चली जाऊंगी। मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। हाँ, ये रहा, मिल गया। अरे भाई, जरा मुझे भी तो बताइए आप इस फोटो के साथ क्या करने वाले हैं? अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। चलो, आखिर सब काम खत्म हो गए। अभी आई। अरे मम्मी, आ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ खास बात नहीं, असल में मैं टोक्यो घूमने निकली थी तो सोचा कुछ समय यहाँ रह लूँ। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। वैसे आपको आपका काम नहीं होगा ना? हाँ, मुझे क्या काम होगा। अच्छी बात है, तो फिर मेरे जाने के बाद थोड़े समय के लिए घर का ध्यान रखिए, ठीक है? क्या? वो असल में आज मुझे कैनिची के सर से मिलने उसके स्कूल जाना है, इसलिए। और वापस आने पर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन मम्मी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। हथौड़ी, तो वो मैं मुझे माफ कर दीजिए ना मम्मी, गलती हो गई। मम्मी को रोकने की अगली ट्रिक। लेकिन ये है क्या? ये निंजा की ड्रैगन फ्लाइज आइस टेक्निक है, इसकी मदद से मैं मम्मी के दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा और फिर वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। डिंग 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 डिंग। इससे तो मम्मी के बजाय हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। सुनो बच्चों, मैं कैनिची के स्कूल जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ये क्या हो गया? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको रोकने की ये मेरी आखिरी कोशिश है, इरादा बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। आज आपको कैनिची के स्कूल नहीं जाना है, बल्कि अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। बच गया, निंजा को भी आए दिन कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। चलो आखिरकार मम्मी रुक गई। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं, रुको। अरे कैनिची, तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? असल में आज सुबह उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सर। क्या? इस खटमल ने जरूर हथौड़ी से मम्मी को स्कूल न भेजने के लिए कहा होगा, कुछ करना पड़ेगा। सर, मुझे कुछ जरूरी काम आया, जाना होगा। आंटी जी। अरे हमारा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे आंटी जी, आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? सर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। स्कूल? अब ये मेरी कोई उम्र है क्या स्कूल जाने की? अच्छा, तो हथौड़ी के बच्चे ने इरादा बदलने की निंजा टेक्निक से इनके दिमाग की बत्ती बुझा दी है। माफ करना बेटा, आज घर में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आंटी, मेरी बात तो सुनिए। ईगा निंजा के चिरगोदे, रुक जाओ। अब देख, कोगा निंजा के बादाम से मैं कैसे तेरा तेल निकालता हूँ। चलो जाओ। अरे मैं तो बहुत लेट हो गई, मुझे आज कैनिची के स्कूल जाना था। आंटी, आपको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, गोल्ड मेडल पक्का। अब आएगा असली मजा। अरे कैनिची की मम्मी, आप लेट आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे मम्मी आ गई, अब तो मैं गया काम से। बच्चों, आप सब भी सुन लीजिए कि मैंने कैनिची की मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया था। समझ लिया, तेरा बैंड बच गया। वैसे तो कैनिची पढ़ाई में हमेशा ही फिसड्डी रहा है, लेकिन लास्ट टेस्ट में तो उसने कमाल ही कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि कैनिची की मम्मी को बुलाकर पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करूं। क्या? क्या? तो मेरी बत्ती बुझ गई। आप सब कुछ सीखिए, कैनिची की पूरी क्लास में अकेला जिसे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। मुझे 100 मार्क्स मिले, अपनी तो निकल पड़ी। मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी।
सर तेरे की मैं इस दृष्टि को जीरो बनाने वाला था लेकिन ये तो जीरो बन गया। अरे हट जाओ, दूर रहो मुझसे, मेरा नाम बताओ।